किसान इकट्ठे हुए, उसमें सर्वसम्मति से एक फैसला लिया गया कि हम इसी नेक्स्ट वीक बुधवार को उनसे लिखा हुआ पत्र किसी के माध्यम से सीएम साहब को हम वो ज्ञापन सौंपेंगे। पूरे हरियाणा में सौंपा जाएगा जी, पूरे हरियाणा 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर ज्ञापन सौंपा जाएगा। और आगे हम जो विधानसभा सत्र चलेगा उसमें हम सभी जितने भी हमारी कार्यकारिणी के मेम्बरान हैं वो हम विधानसभा घेराव करेंगे नियमित की मांग को लेकर। केवल मात्र एक मांग है, नियमित की मांग, सिर्फ हमारी एक मांग है, वो नियमित की मांग है। तो सरकार जल्द से जल्द इसको पूरा करे। और आगे भविष्य की कोई योजना? भविष्य की योजना अभी दो प्रोग्राम है हमारे, ये डिसीजन लिया हमने सभी कार्यकारी मेम्बरान ने कि हम ये दो प्रोग्राम देंगे अभी, जिसमें हमारा मुख्य जो मांग है वो नियमित को लेकर। धन्यवाद। आज भी हमने यहाँ मीटिंग करके एसडीएम साहब ज्ञापन सौंपा है कि उसमें भी यही दिया है, शिक्षा मंत्री ने हम ज्ञापन दिया है कि हमें नियमित की मांग को लेकर ये ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा है। और आगे हमारी कार्यकारिणी ने जो डिसीजन लिया है ये आपको हमने बताया है, दो प्रोग्राम हम दे देंगे। शिक्षा मंत्री जी को क्या आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने ये कहा है कि दो दिन के अंदर आपकी मीटिंग करा के जो आपकी मांग है इस पर विचार करके और जल्द से जल्द इसको लागू करने की कोशिश कराएंगे। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है। धन्यवाद। थैंक यू सर।